ग्रिप का मतलब है सिर्फ इस पर बात करें। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे और वहां पर सरकार के गठन की जो प्रक्रिया चली, इस पर बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण रखने के लिए आज आप सबको यहां आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटक की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कठिन चुनावी समर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर इस चुनाव में बाहर आई है। वोट प्रतिशत की दृष्टि से और सीटों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टैली को बहुत इंप्रूव किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रांत के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव में घर घर जाकर कर्नाटक की जनता को भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण समझाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इस चुनाव में चुनाव के पहले जब हम 40 सीट प्राप्त किए थे तो अब 104 सीट के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। वार्ड शेयर की दृष्टि से भी हमारे वार्ड शेयर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उसका प्रचार का केंद्र बिंदु था। 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार चली वो कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार, उसका कुशासन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया हुआ तुष्टीकरण की पॉलिसी, खराब कानून और व्यवस्था, दलित उत्पीड़न के आंकड़े, कर्नाटक की स्थापना के बाद सबसे ऊपर जाना, महिला उत्पीड़न के आंकड़ों को भी जेट गति से उसमें वृद्धि हुई थी और करीब करीब 3,737 किसानों ने ये 5 साल के अंदर आत्महत्या करी और देश भर में सबसे ज्यादा 173% के रेट से किसान आत्महत्या की वृद्धि हुई। मैं मानता हूं ये सारी चीजें एक विफल सरकार की परिचायक है, इसको मुद्दा बनाकर हम चुनाव लड़े थे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लिए जो किया, कर्नाटक के लिए जो किया, कर्नाटक की जनता को जिस प्रकार से कर्नाटक को विकास को गति देने के लिए केंद्र से सहायता करी, कई सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दिए जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा धन और आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्नाटक के लिए किया। ये दोनों चीजों को लेकर हम कर्नाटक के चुनाव में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में गए और मुझे आनंद है कि कर्नाटक की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। ये मैंडेट कांग्रेस के विरुद्ध का है। जेडीएस भी उसी जगह जीती है जहां परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्बल रहा।
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था, भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं मानता हूं कि ये मैंडेट एंटी कांग्रेस मैंडेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी भी डायमेंशन से देखे तो नहीं। उनके आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हारे, मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारे, दूसरी सीट पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए। ये बताता है कि मैंडेट कांग्रेस विरोधी मैंडेट है, कांग्रेस के शासन के खिलाफ का मैंडेट। और मित्रों, कई लोग एक अपप्रचार खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का क्लेम क्यों किया। अब मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं, तो क्या फिर से चुनाव कराया जाए? पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का। और अगर हम सरकार बनाने का दावा न करते तो कर्नाटक की जनता के मैंडेट के खिलाफ का काम होता, कर्नाटक की जनता के मैंडेट के अनुरूप काम नहीं होता। इसलिए हमने सरकार बनाने का दावा वहां के राज्यपाल के समक्ष रखा। 104 सीटों के मैंडेट के बाद और विशेष रूप से कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट के बाद हमने दावा किया है, मैं उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं देखता। जनता दल एस के भी चुनाव प्रचार का मीन निकाल दीजिए, जनता दल एस का पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की नाकामियों के खिलाफ रहा। उन्होंने भी एंटी कांग्रेसी मैंडेट को जहां वो मजबूत थे वहां एनकेस कर जीत प्राप्त की है, जितनी भी सीटों पर जीते हैं। तो परिणाम बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है और जो कांग्रेस को हरा सकता था वहां पर जनता ने उसको जीता है। यही कारण है जो दिखाई पड़ने वाले कंफ्यूज मैंडेट का। मगर मैं इसको कंफ्यूज मैंडेट इसलिए नहीं मानता कि मैजिक फिगर से, जादुई आंकड़े से सिर्फ हम 7 सीट जुड़ रहे। बीजेपी लगभग 13 सीटें नोटा से भी कम मार्जिन से हारी। सिर्फ बेंगलुरु क्षेत्र में 6 सीटें हम नोटा से कम मार्जिन से हारे। ये बताता है कि बीजेपी को मैंडेट देने के लिए जनता ने पूरा प्रयास किया है। और आज जब सरकार बनाने के लिए जेडीएस और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उसमें कर्नाटक की स्थिति यह है कि कर्नाटक की जनता जश्न नहीं मना रही है, जेडीएस और कांग्रेस जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए इस देश की जनता को कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। उनकी सीटें पहले थी 122, उसमें से 78 सीटें हो गई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार गए, उसका जश्न मना रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री हार गए, उसका जश्न मना रहे हैं। चुनाव के पहले उनके पास 3 मुख्यमंत्री थे, अब 2 हो गए, इसका जश्न मनाते हैं। या पीपीपी हो जाने का जश्न बना रहे हैं, सिर्फ पंजाब पांडिचेरी और परिवार में कांग्रेस बच कर रह गई है, इसका जश्न बना रहे। कांग्रेस ने बात देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस चीज का वो जश्न मना रहे हैं। और जेडीएस ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि 37 सीट जीतने का आप जश्न मना रहे हैं, 80% से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त होने का जश्न मना रहे हैं, जेडीएस भी जमानत किस चीज का मना रही। ये दोनों पार्टियों ने जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। मित्रों, चुनाव के कुछ समय पहले से ही कांग्रेस ने अपनी करतूतों के आधार पर ये नाप लिया था कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव
अपने आप में किस तरह से चला है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने सारी मर्यादाओं को पार किया, क्षेत्रवाद के मुद्दे बार बार उठाते रहे, कभी भाषा का मुद्दा उठाया, कभी झंडा का मुद्दा उठाया, हिंदू धर्म के विभाजन का मुद्दा उठाया, लिंगायत को स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा उठाया, SDPI और PFI जैसी घोर देश विरोधी संस्थाओं को साथ में लेकर चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं ST SC एक्ट को नाबूद कर दिया है, ऐसा चुनाव प्रचार में एक झूठा प्रचार किया, दलितों को भड़काने का प्रचार किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से धन बल का भी उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री की स्वयं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकम टैक्स किसी कंप्लेन के आधार पर जब रेड करती है तो रेड के अंदर ढेर सारी रकम, ढेर सारा पैसा जब्त किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 10 चुनाव विधानसभा के लड़े जा सकते हैं, इतना पैसा बांटने का हिसाब किताब जब्त होता है और उनके एक मिनिस्टर पर FIR दर्ज होती है जैसे धन रखने के लिए, धन बांटने के लिए। उसके अलावे फेक ID कार्ड बनाने की एक मान लो फैक्ट्री ही घर में से पकड़ी जाती है, ढेर सारे कंप्यूटर, ढेर सारे प्रिंटर और नकली मतदाता रजिस्टर करने की लाखों लोगों की सूची पकड़ी जाती है। इसमें भी इनके काउंसिलर और एक विधायक के सामने FIR दर्ज चुनाव आयोग को करानी पड़ती है। और अभी अभी मैंने आज सुबह अखबार में देखा कि कचरे के ढेर में से VVPAT मशीन भी मिलते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस कहती है, सीटें घटने के बावजूद भी कांग्रेस कहती है, मुख्यमंत्री के स्वयं चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कहती है, आधे से ज्यादा मंत्री हारने के बाद भी कांग्रेस कहती है कि हम चुनाव जीते हैं। इन्होंने एक नया तरीका हारने से जीत ढूंढने का बनाया है जो किसी भी दृष्टि से आंकड़े के वो मैच नहीं करता है। अभी अभी कुछ समय पहले एक दो लोकसभा में उपचुनाव में हम हारे तो सारे कांग्रेसियों की बाहें खिल गई कि 8-9 चुनाव में भाजपा हारी। हालांकि उसमें कांग्रेस नहीं जीती, 9 चुनाव भाजपा हारी, इसका इतना प्रचार कर दिया। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, वो 2014 से 2018 में हम 9 लोकसभा हारे इसका प्रचार करते हैं, हमने आपसे 14 स्टेट छीन लिए। अगर आपको स्पष्ट करना चाहिए कि 14 स्टेट की हार बड़ी होती है या 9 लोकसभा की हार बड़ी। कांग्रेस ने जीत की जो नई व्याख्या बनाई है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी जीत की व्याख्या यही रहे तो हमें 2019 में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी और यही जीत की व्याख्या उनके बहुत काम में आएगी। मित्रों, मैंडेट के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने JDS का समर्थन किया है, मैंडेट के खिलाफ जाकर JDS ने कांग्रेस का समर्थन लिया है और मैं मानता हूं कि एक अपवित्र गठबंधन है। अब सरकार बनाने की गतिविधि उन्होंने चालू करी है, सरकार गठन भी हो जाएगी, परंतु मैं आज इस प्रेस वार्ता के बाद JDS के नेता श्री कुमार स्वामी ने कांग्रेस के लिए क्या क्या बयान दिए थे इसकी कॉपी, एक संकलन आपके कंजम्पशन के लिए देना चाहता हूं। आपसे आशा है कि इसको आप जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने भी JDS को जनता दल संघ कहा था, देवगौड़ा जी के लिए राहुल गांधी जी का बयान, राहुल गांधी के लिए देवगौड़ा का बयान, ये सारा जनता की सामने है। ये सारी सीटों में मैं मानता हूं कि जिस तरह से अलग अलग चीजों का गैरकानूनी तरीके से उपयोग किया इसके बाद भी कांग्रेस जीतने में असमर्थ है। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उस वक्त अचानक एक खबर आती है कि कोई विधायक के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोन पहुंचा है, करोड़ों रुपया की ऑफर की गई है और उनको मंत्री पद भी ऑफर किया है, मीडिया ने उसको सार्वजनिक भी किया, करना भी चाहिए, परंतु आज कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया है कि वो खबर फर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के केस को प्रभावित करने के लिए एक खबर को गलत तरीके से उकसाया गया था। मित्रों, मोदी जी का विजय रथ पूरे देश में
घूमता 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 अब दक्षिण में भी प्रवेश कर गया है। हम दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। कर्नाटक के अंदर मैजिक फिगर से सिर्फ 7 सीट हम पीछे रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने मोदी जी की सरकार के सुशासन को अपना मैंडेट दिया, उसी तरह से दक्षिण में कर्नाटक ने भी मोदी जी के सुशासन को मैंडेट दिया है। मोदी जी की लोकप्रियता कर्नाटक की जनता ने भी इसको एक्नोलेज किया है। मैं मानता हूं कि चुनाव का एक बहुत अच्छा पक्ष आया है। लोकतंत्र के बारे में तो जो हुआ उसका हिसाब किताब देश के लोकतंत्र का इतिहास लिखने वाले भविष्य में करेंगे कि चुनाव किस प्रकार से हुआ, धन बल का किस प्रकार से उपयोग किया, मैंडेट को किस तरह से भंग किया। मगर एक अच्छा परिणाम आया है, कांग्रेस की लोकतांत्रिक संस्थाओं में श्रद्धा बढ़ गई है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती है, अब उनको ईवीएम भी अच्छा लगता है, अब उनको चुनाव आयोग भी अच्छा लगता है। एक बहुत शुभ चिन्ह है देश की लोकतांत्रिक के लिए कि प्रमुख विपक्षी दल को अब ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये आधे अधूरे विजय से अच्छी लगने लगी है। ये अच्छाई का हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जब हारे तब भी ये सारी चीजों को वो याद रखें, ईवीएम को भी अच्छा कहें, चुनाव आयोग को भी अच्छा कहें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर कभी ना आए, ये सारी चीजों को वो चुनाव हारने के बाद भी याद रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप सबको मेरा आग्रह है कि हमने जो बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है उसको आप जनता तक पहुँचाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक पर केंद्रित है, अतः मेरा सादर अनुरोध होगा केवल कर्नाटक से जुड़े विषयों पर ही आप प्रश्न लें। मेरा सादर आग्रह है अनंत जी से। मयूख जी नाम बोलेंगे एक के बाद सबके सवाल होंगे, चिंता मत करिए। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं, पक्षी पार्टी और गठबंधन बन गए, बन रहा है, कैसे देखते हैं इसे, क्या भविष्य होगा इसका? देखिए पूरा मीडिया जिसको विपक्षी पार्टी का गठबंधन कहता है, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ममता जी कर्नाटक के लोकसभा में कर्नाटक के चुनाव में क्या कर सकते? अखिलेश जी मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कर सकते हैं? राहुल जी बंगाल के चुनाव में क्या कर सकते हैं? ये सारे लोग हमारे खिलाफ ही थे 2014 में, ये कोई नई बात नहीं है। अपने अपने राज्य में सारे लोग हमारे खिलाफ लड़े थे, उसके बाद में 2014 का मैंडेट आया था, अब भी 19 में हमारे खिलाफ लड़ेंगे और अब भी पूर्ण बहुमत के साथ, इससे भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। अभिषेक कपूर रिपब्लिक, विकास भदौरिया, दो सवाल। एक सवाल तो ये है कि जब जब आप लोगों ने जोर शोर की राजनीति करने की कोशिश की, आप लोगों को रोटी खानी पड़ी, पहला बिहार में एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उत्तराखंड में किया, फिर गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान किया, अब यहाँ पर 104 सीटों में पीछे होने के बावजूद जोर शोर करने की कोशिश। ठीक है, आपका जो सोच है कि अगर बहुमत नहीं है तो, लेकिन अगर बहुमत नहीं था तो आपने पहले दावा क्यों किया? दूसरा, जब येदुरप्पा जी ने 7 दिनों का समय मांगा था तो राज्यपाल ने 15 दिन का समय दिया, और ये 15 दिन का समय ही शायद आपके खिलाफ कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बन गया कि राज्यपाल आपका पक्ष है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपप्रचार किया है कि येदुरप्पा जी ने 7 दिन का समय मांगा है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व तो है, 7 दिन का समय मांगा है तो वो उनसे लेटर की कॉपी मांगे, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है इतना सब फैलाने के पहले उनसे लेटर की कॉपी मांगे। आप लोगों ने भी मांगना चाहिए मगर आप भी नहीं मांगते। कभी येदुरप्पा जी ने 7 दिन का समय नहीं मांगा था, कांग्रेस के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ झूठ बोला, कभी नहीं मांगा। दूसरी बात, हमने क्यों क्लेम किया? हमने क्लेम इसलिए किया
कि कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट था, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी थे, हम आशा करते थे कि जो लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं खंडित जनादेश है वो हमारा समर्थन करेंगे, इसलिए हमने कांग्रेस में अपना क्लेम किया और हमने क्लेम जेडीएस और कांग्रेस के क्लेम के पहले किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये लोग अपने विधायकों को 5 सितारा होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर बंद न करते गर्मियों से बचाने के लिए और स्विमिंग पूल में नहाने के लिए खुला छोड़ दे, तो जनता ही उनको बता देती कि वोट कहां डालना। अगर उनको विजय का जुलूस भी निकालने देते ना, विजय का जुलूस, तो जनता बता देती कि वोट कहां डालना। और भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास का मत पास कर देती। और आप हमें कह रहे हो जोर जोर की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, भैया हम पर तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक गलत आरोप लगा है, इन्होंने तो पूरा अस्तबल बेच खाया है। कांग्रेस ने पूरा का पूरा अपना अस्तबल बेच खाया है, उसको कोई नहीं पूछता है। हमारा क्लेम करने का अधिकार था, इसलिए हमने क्लेम किया था गैर लोकतांत्रिक तरीके से सारे विधायकों को 5 सितारा होटल के अंदर बंद किया, इसके कारण विधायक अपनी जनता का संपर्क न कर पाए। और अगर जनता का संपर्क करते तो निश्चित रूप से उनको जनता का मूड भी मालूम पड़ता और जनता की इच्छा भी मालूम पड़ती और जेडीएस को बीजेपी को समर्थन करता। अमित भाई, ये गवर्नमेंट कब तक भी जाएगा? प्रसाद टाइम सर, आप ये कहते हैं अमित सर कि आपका कर्तव्य था कि आप सबसे बड़ी पार्टी है तो आप सबसे पहले करना चाहिए था। सर, ऑपोजिशन का बहुत क्लियर चार्ज है, आपने जो लेटर लिखा था वजू कुमार को, उस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ था कि आपके पास 104 विधायक हैं, 2 इंडिपेंडेंट थे। सर, आप लोगों ने समय मांगा, ऑपोजिशन कहती है सर जेडीएस और कांग्रेस को तोड़ने के लिए 7 दिन का समय मांगा, आप उस एग्जैक्ट चार्ज पर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस और जेडीएस को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और जेडीएस ने क्लेम ही नहीं किया। हमने जब समय मांगा उस वक्त राज्यपाल महोदय के पास कांग्रेस और जेडीएस तक कोई समर्थन के पत्र भी नहीं गए थे, कोई क्लेम नहीं। मैं स्थिति को और क्लियर करता, राज्यपाल महोदय के पास जब कांग्रेस ने और जेडीएस ने कहा कि हमारे सारे विधायक चाहते कि ये है, तब तो विधायक बेंगलोर आए भी नहीं थे, ना विधायक दल की मीटिंग हुई, ना उसका नेता चुना गया। मैं सवाल ये करना चाहता हूं, किस तरह से क्लेम किया गया? रवि कांत, न्यूज नेशन। अमित जी, कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपके ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की है, राजनीतिक मर्यादा के लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से राहुल जी की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करता, समय आएगा तब करेंगे। बुलाएंगे आपको, आप निराश मत। नहीं, निराश नहीं हो रही हूँ, आपको क्या लगे कर्नाटक में बीजेपी बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आपको किस वजह से नंबर नहीं मिल पाया? देखिए, मैं तो इसे ऐसा है कि गोवा और मणिपुर का हमेशा कांग्रेस के द्वारा एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं ये बात भी आप सबको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गोवा और मणिपुर में हमने जब क्लेम किया तब कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी के नाते क्लेम नहीं किया था। कांग्रेस के लोग आराम कर रहे थे, क्लेम नहीं कर पाए थे, इसके कारण हमारे क्लेम के आधार पर राज्यपाल ने हमें न्योता दिया था। ये बात पहले जनता के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्रेस के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दोनों राज्यों में कांग्रेस ने सबसे बड़े दल के नाते सरकार रचने का दावा ही नहीं किया था, और इसलिए राज्यपाल के पास और कोई चारा नहीं था, दूसरे नंबर का जो दल है उसको बुलाना पड़ता, दूसरे नंबर का दल दोनों जगह हम थे, हमें न्योता दिया और हमने सफलतापूर्वक बहुमत को पार किया। जहां तक सफल विफल का सवाल है, इसमें सफल विफल नहीं होता है,
राजनीति के अंदर हमने जनता से मैंडेट मांगा था, सबसे बड़ी पार्टी हम थे, हमारा दायित्व तो था कि जनता के मैंडेट को राज्यपाल महोदय तक और बाकी दलों तक पहुंचा दे। बाकी दलों ने तय करना था कि मैंडेट जनता के मैंडेट को तोड़ना है या अपने नेताओं को मानना है या अपने नेताओं को मैंडेट को मानना है। उन्होंने जोर तोड़ की राजनीति को समर्थन किया और जेडीएस और कांग्रेस का अपवित्र गठबंधन बना। मुझे एक बात बताइए, जेडीएस के एक भी भाषण के अंदर कहीं पर भी कांग्रेस के तरफ की बात करकर उन्होंने प्रचार किया तो वो जरूर समर्थन करते, हमें कोई आपत्ति नहीं। सिद्धरमैया सरकार का खिलाफ करकर ही उन्होंने प्रचार किया और आज सिद्धरमैया की पार्टी और जेडीएस दोनों मिलकर सरकार बना। मारिया सकील और उसके बाद महुआ चटर्जी जी रहेंगे। मारिया सकील, चुनाव के दौरान ना ही प्रधानमंत्री जी ने ना ही आपने बीजेपी हेड ऑफिस यस यस योर ऑल्सो हियर कोई हार्श वर्ड्स नहीं यूज किया, क्या एक ऑप्शन आप अपन रख रहे थे जेडीएस के साथ? नॉट श्योर ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में क्या हार्ड और सॉफ्ट होता है। हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, मैक्सिमम जगह पे जेडीएस के प्रत्याशी हमसे चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में जब आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो हार्ड सॉफ्ट नहीं होता, कि चुनाव चुनाव होता है। महुआ चटर्जी सर, अमित जी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते जैसे आपने कहा कि अगर क्लियर मैंडेट नहीं भी है तो सबसे ज्यादा मैंडेट कर्नाटका में बीजेपी को था, तो लेकिन बीजेपी तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाकी जो लोग बात उठा रहे हैं, कांग्रेस ने स्पेशली इसको एक मुद्दा बना दिया है कि मणिपुर में या गोवा जैसे स्टेट में जहाँ पर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लेकिन वो सरकार नहीं बनाए, वहाँ बीजेपी ने सरकार बनाया और आज उनका भी सरकार है, तो इसके आप कैसे इसको बताएंगे? देखिए महुआ जी, समझ गया मैं आपका सवाल। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि गोवा और मणिपुर में दोनों जगह महुआ जी इन्होंने क्लेम ही नहीं किया। जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गवर्नर के सामने क्लेम नहीं करती है तो गवर्नर के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो दो नंबर की पार्टी है उसको बुला लो। गवर्नर ने हमको बुलाया, हमने जाकर अपना क्लेम किया और बहुमत